बाहरी राज्यों से यात्रियों के बागेश्वर आने का सिलसिला जारी है। गत रात्रि चंडीगढ़ से 108 से अधिक यात्री दो बसों में बागेश्वर लाए गए, जिन्हें चेकअप करने के उपरांत होम क्वारंटाइन किया गया है। उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि बाहरी जिलों से आ रहे यात्रियों को पूरी सुरक्षा के साथ घरों में भेजा जा रहा है। गांव में प्रधानों के नेतृत्व में गठित टीम उन पर नजर रख रही है। साथ ही जिला मुख्यालय में गठित टीम भी होम क्वारंटाइन किए गए यात्रियों पर निगाह रख रही है। उन्होंने बाहर से आने वाले यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी बाहरी राज्यों से यात्रियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी व बागेश्वर विधायक चंद्र राम दास जी व मनोज बचकैती व गौरव दास जी का धन्यवाद। मैं सही सलामत चंडीगढ़ से अपने घर रुद्रप्रयाग पहुँच गया हूँ। आप सभी भी धैर्य रखें, सभी को निकालने के लिए सरकार योजना बना रही है। तो मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो लोग कृपया हड़बड़ाएं नहीं, कोई गलत कदम ना उठाएं। सरकार धीरे धीरे सब जगहों से फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। जैसे उन्होंने हमें निकाला है चंडीगढ़ से 4 तारीख को, वैसे ही वो आप लोगों को भी निकालेंगी। तो प्लीज़ धैर्य रखिए, वो आप लोगों को भी निकालने का कुछ इंतजाम कर रहे होंगे। आप हमारे रोजगार आपके लिए आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है, तो इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो है उनको लाया जा रहा है। तो कल हमारे जनपद के 5 मई की रात में 4 बसों से करीब 108 आदमी आए, जो यहाँ लोना बस अड्डा पर पहुँचे। तो उनका जो चिकित्सक हैं और हमारी पुलिस और प्रशासन की टीम और जो वहाँ नोडल अधिकारी और हमारे इंसिडेंट कमांडर वगैरह, सब लोगों के द्वारा उनका हेल्थ चेकअप करवाया गया। उनको प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के पश्चात उनको सुबह उनके घरों को होम क्वारंटाइन जो कि चिकित्सक के द्वारा कराया गया है, किया गया है, तो उनको उनके घरों को भिजवाया गया। किसी भी जो यात्री थे किसी भी कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया, सभी जो है स्वस्थ थे, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और होम क्वारंटाइन के संबंध में जो हमारे गवर्नमेंट के आदेश है कि जो जिन गांवों के में जा रहे हैं तो वहां के ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है कि ये होम क्वारंटाइन का पूरा पालन करें, और जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और जो वहाँ के प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक हैं और वो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो रही है, तो ये सब इनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के मकान में अलग से कमरे नहीं हैं, शौचालय नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं, तो उनको जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन वहाँ के प्राइमरी विद्यालय हैं या जो ग्राम पंचायत घर है, तो वहाँ उनको फैसिलिटी क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।